गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर का स्वर और व्यंजन का परिचय कराने जा रहा हूँ। तो देखिए, हिंदी के वर्ण, हिंदी में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, यानी दो प्रकार के अक्षर होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर हम उसे कहते हैं जो स्वर वर्ण होते हैं, हम उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में दूसरे किसी वर्ण या अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और व्यंजन वर्ण हम उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में या जिनका उच्चारण बिना किसी स्वर वर्ण की सहायता के नहीं हो सकता। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। स्वर वर्ण हम उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में दूसरे किसी वर्ण या अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और व्यंजन वर्ण हम उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की आवश्यकता अवश्य होती है। ठीक है, तो देखिए हिंदी के वर्ण। उच्चारण के दो प्रमुख, उच्चारण यानी जिसे हम बोलते हैं प्रोनंसिएशन, के दो प्रमुख तत्व हैं। पहला स्वर और व्यंजन वर्णों के निर्माण में स्वर और व्यंजन वर्णों के निर्माण यानी क्रिएशन में इन दोनों की आवश्यकता होती है। अब देखिए हिंदी के वर्ण दो हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है, जिसे हम इसको भावल के नाम से जानते हैं, इसको हम कंसोनेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिंदी में हम जिसको स्वर बोलते हैं वो भावल, अंग्रेजी में भावल के नाम से जाना जाता है। और जो व्यंजन होता है हिंदी में वो अंग्रेजी में कंसोनेंट के नाम से जाना जाता है। अब हम एक एक करके बताते हैं स्वर और व्यंजन के बारे में, आपको समझा रहे हैं। पहला है स्वर।
स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी रुकावट यानी या बाधा या अवरोध के होता है। तो देखिए स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी रुकावट यानी हिंड्रेंस या अवरोध के होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अच्छा, ये सभी क्या हैं? स्वतंत्र हैं। इनके उच्चारण में कंठ यानी थ्रोट और तालू जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में पैलेट, तालू का प्रयोग होता है। ठीक है। जीभ यानी टंग होंठ लिप्स का नहीं, ठीक है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी रुकावट हिंड्रेंस या अवरोध के होता है, इनके उच्चारण में दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, ये सभी स्वतंत्र हैं। इनके उच्चारण में कंठ यानी थ्रोट और तालू यानी पैलेट का प्रयोग होता है, जीभ होंठ का नहीं, ठीक है। अच्छा, पर उ और
ऊ का प्रयोग पर ऊ के प्रोनंसिएशन में होंठ का प्रयोग होता है। होंठ यानी लिप्स का प्रयोग होता है। ठीक है, खूब इसको मानते समझ लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए, अब हम बताते हैं आप लोगों को कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, स्वर वर्ण नंबर में 11 होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपका जैसे मैं आपका हर्ष स्वर, हर्ष स्वर में आते हैं अ ई उ और रि। ठीक है, और दीर्घ स्वर में आते हैं, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं अ आ ई और उ। ये जो हैं दीर्घ स्वर में आते हैं, और संयुक्त स्वर संयुक्त स्वर में आते हैं वो है ए आई ओ औ, ए आई ओ और औ। ठीक है, तो ग्रामर हिंदी व्याकरण के अनुसार हिंदी के जो वर्ण हैं, हिंदी के वर्ण स्वर ग्राम माने हिंदी व्याकरण में आपको बता दिए हैं कि हिंदी के वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। स्वर वर्ण नंबर में माने 11 है। जैसे हर्ष स्वर, हर्ष स्वर अ ई उ री, इसको री पढ़ा जाएगा, और दीर्घ स्वर में आ ई उ, और संयुक्त स्वर, संयुक्त का मतलब होता है माने जिस स्वर का माने जो स्वर वर्ण, जो स्वर वर्ण माने एक या दो अक्षरों के मेल से बना रहता है उसे बोलते हैं संयुक्त स्वर।
तो संयुक्त स्वर ए आई ओ औ। कुछ ऐसे स्वर होते हैं जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं, कुछ ऐसे स्वर होते हैं जो दो स्वरों के स्वर से माने संयुक्त स्वर का ही होगा, दूसरे व्यंजन का नहीं होगा। तो जब माने एक या दो स्वर एक साथ मिल करके यदि किसी वर्ण की रचना करते हैं तो वो होता है संयुक्त स्वर, जैसे ए आए ओ औ। ठीक है, तो ये सभी जो हैं संयुक्त स्वर हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में मैं बस इतना ही पढ़ा करके आज की क्लास बंद करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आज जो मैंने हिंदी का जो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बताया आप लोगों को, हिंदी के वर्ण दो प्रकार होते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर हम उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में दूसरे किसी वर्ण या अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वर स्वतंत्र होते हैं और स्वर की संख्या 11 है। ठीक है, और व्यंजन वर्ण के बारे में मैंने आपको बताया, व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में या जिनकी बनावट में, व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनकी बनावट में स्वर वर्ण की आवश्यकता अवश्य होती है। बिना स्वर वर्ण की आवश्यकता के कोई भी व्यंजन वर्ण नहीं बन सकता। ठीक है, धन्यवाद।